आज हम पढ़ने जा रहे हैं पारिक, जो गाइड है उसका पेज नंबर 5 और 6। तुलनात्मक अध्ययन की ये तीसरी क्लास है। इस क्लास में आघातंत्र और शल्य का तुलनात्मक अध्ययन बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्थावर विषों की जो संख्या है वो सुश्रुत में बताई गई है 55। जिस श्लोक में जब संस्कृत में लिखा आता है तब वो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो चूंकि यहाँ पर पंच पंचाशत लिखा हुआ है, पंच पंचाशत लिखा हुआ है, तो संख्यावाची क्वेश्चन बनता है कि स्थावर विषों की संख्या सुश्रुत में कितनी है, तो 55 है। चरक संहिता की चिकित्सा स्थान के 23वें चैप्टर में स्थावर विषों की जो स्थावर विष जो पौधे होते हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, लेकिन श्लोक में 21 नहीं आता है, वो गिनने पर 21 आता है, मतलब काउंट करने पर 21 आता है। इसलिए ये संख्यावाची क्वेश्चन बनना तो मुश्किल है कि इसका संख्यावाची क्वेश्चन बने, पर चरक में यहाँ पर रेफरेंस में दिए हुए हैं 21। भाव प्रकाश में 9 दिए हैं, ध्यान रखना है। तो भाव प्रकाश है, उनने स्थावर विषों को प्रकाश देने से नो कर दिया। भाव प्रकाश ने जो है नो बोल दिया प्रकाश देने को, किसको, जो विषैले पौधे हैं। ऐसे करके याद करना है कि जो भाव प्रकाश है उन्होंने जो विषैले पौधे हैं उनको प्रकाश देने से नो यानी मना कर दिया, नो कर दिया, ऐसा करके याद करना है। रसायनों में जो है कितने बताए गए हैं, 5। तो सबसे 55 से स्टार्ट किया था और यहाँ आते आते संख्या कितनी बची, केवल 5। 55 से स्टार्ट किया था संख्या, रसायनों में केवल 5 है। विष के अधिष्ठान या आश्रय स्थान जो होते हैं वो 10 बताए गए हैं स्थावर विषों के, और जांगम के होते हैं 16। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। विष का अधिष्ठान कहने का मतलब है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके कितने अंगों में विष होता है। तो पारिक में तो केवल संख्या दी है, हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीर सार एव चा निर्यासो धात्वश्च कंदस्य दसमा स्मृता। तो चूंकि श्लोक में यहाँ दसमा स्मृता आता है, साफ साफ आप देख रहे हैं, इसलिए संख्यावाची क्वेश्चन बनेगा कि स्थावर विष के सुश्रुत ने कितने अधिष्ठान बताए हैं। तो स्थावर विष के सुश्रुत ने जो अधिष्ठान बताए हैं उनकी संख्या कितनी है, 10। जो जांगम होते हैं उनमें जो जो मतलब जानवर हैं उनके शरीर में किसी हिस्से में विष होता है और वो सारे अधिष्ठान हम गिनते हैं, तो उनकी संख्या 16 होती है। श्लोक में 16 आता है, तो ये भी संख्यावाची क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जो श्लोक है सुश्रुत संहिता का उसमें पहले 16 होते हैं ये लिखा है, उसके बाद में श्लोक है कि तत् दृष्टि निश्वास दष्टा नख मूत्र पुरी शुक्र लाला आर्तव मुख सदंश विष अर्दित टुंडास्ति पित्त सुख सवानीति। यानी कि इतने इतनी सारी चीजों में 16 जो गिनाए हैं उनमें विष होता है। सिंपल से क्वेश्चन है, स्थावर के कितने होते हैं, तो 10 अधिष्ठान है, श्लोक में 10 आता है, और जांगम के 16 है, श्लोक में 16 आता है। अब बढ़ते हैं विष के गुणों में। तो विष के गुण चरक सुश्रुत दोनों में 10 बताए गए हैं, भागवत में 11 हैं और सारंगधर में 8 हैं। इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चरक का देखते हैं। चरक के जो विष के गुण बताए हैं वो हैं लघु रूक्ष्म आंसू विसर वैवाही तीक्ष्ण विकासी सूक्ष्म चा उष्णम अनिर्देशी रस। तो जो विष का रस है वो है चरक ने अनिर्देशी बताया है। ठीक है, तो अनिर्देशी थोड़ा स्पेशल है। और फिर श्लोक में 10 गुणम आता है, तो 10 गुण जहाँ लिखा आएगा इस टाइप का जब संस्कृत में आ जाएगा तो संख्यावाची क्वेश्चन बनेगा कि चरक ने विष के गुण कितने माने हैं, तो 10 माने हैं। सुश्रुत में आते हैं, तो सुश्रुत में रूक्ष्म उष्णम तथा तीक्ष्णम सूक्ष्म आंसू वैवाही चा विकासी विशद चैव लघु पाकी चा तत्स्मिता। तो यहाँ लघु और अपाकी ये बा में आ छुपा हुआ है, इसलिए अपाकी बताया हुआ है सुश्रुत ने, और चरक में था अनिर्देशीय रस। बागवत में आते हैं, तो बागवत ने 11 बताए हुए हैं। उन्होंने बताया है तीक्ष्णो उष्ण रूक्ष विशद वैवाही आंसू करम लघु विकासी सूक्ष्म अव्यक्त रस बताया, और विषमपाकी बताया है। तो ये जो अपाकी था या फिर जो अनिर्देशी था उसको अव्यक्त कर दिया, और एक नया जोड़ का है विषमपाकी, जो अपाकी था उसको विषमपाकी कर दिया। तो कुल मिला के जो विष के गुण है वो चरक में 10 है, अनिर्देशी जो है उसमें बताया गया है, सुश्रुत में उसके स्थान पे अपाकी बताया गया है। अष्टांग जो कि आ से चालू होता है अष्टांग, उसने एक अव्यक्त बताया है,
ठीक है। और जो बागभट्ट हैं, जिसको अपन अष्टांग के रचयिता बागभट्ट मानते हैं, उन्होंने आपाकी की जगह विषमपाकी बोला है, बा से बागभट्ट, बा से विषमपाकी। तो ऐसे याद रखना है कि अष्टांग ने एक अव्यक्त भी बताया है, ठीक है, और बा से जो है विषमपाकी भी बताया, बागभट्ट बा से चालू होता है, विषमपाकी भी बताया है। तो ये अव्यक्त तो रस और विषमपाकी बागभट्ट के हैं। अब बढ़ते हैं सारंगधर में। तो सारंगधर में जो है वो जो विष के गुण है वो 8 बताए हैं। व्यवाही च विकासी स्याद सूक्ष्म छेदी मदा वहा आग्नेय जीवित हरम योग बाही स्मतम विषम। तो व्यवाही विकासी ऐसे एक दो गुण है जो सभी ने माने हैं, व्यवाही विकासी और सूक्ष्म, ये तीन जो है ये पूरे चार्ट में कॉमन मिल जाएंगे। ये तीन जो है वो सभी आचार्यों ने माने हैं, व्यवाही विकासी और सूक्ष्म। छेदी क्योंकि विष तीक्ष्ण रहता है इसलिए छेदन करता है। मद यानी बुद्धि का नाश कर देता, मदावह बोला गया। आग्नेय है अग्नि के स्वरूप का होता है, प्राणों का नाश कर देता है, जीवित हर बोला। और योग बाही, तो ये छेदी मदावह आग्नेय जीवित हर और योग बाही गुण किसने माने हुए हैं वो एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। तो ये सारंगधर ने बताए हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट है, छेदी भी इम्पोर्टेंट है, मदावह भी इम्पोर्टेंट है, आग्नेय किसने माना है, जीवित हर किसने माना, सबसे इम्पोर्टेंट है योग बाही। योग बाही जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि योग बाही किसने माना है, तो योग बाही सारंगधर ने माना है। योग बाही की संज्ञा जो है वो कई चीजों को दी गई है। तो चरक में जो है इसके अलावा वायु को भी दी गई है, यह हमको मालूम होना चाहिए कि चरक ने किसको दी है। सारंगधर ने योग बाही बोला है जिसको, ठीक है, सारंगधर सारंगधर जो है वो योग बाही बोलते हैं जिसको, चरक बोलते हैं वायु मधु को, और योग बाहिनी बोला गया है पिपली को, चरक चरक विमान अध्याय जो पहला है जहां पर पिपली क्षार लवण ये तीन चीजें ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए ये बताया है, वहां पर बताया गया है। अब आते हैं दूसरे चीजों में, तो देखते हैं डिफरेंस में। सबसे पहले सांप के भेद, तो चरक संहिता में सांप के भेदों के लिए कहा है, यम दर्वी कर सर्पो मंडली राजीमान इति त्रयो यथा क्रमम वात पित्त श्लेष्मणा प्रकोपणा। तो त्रयो यानी तीन, चरक के अनुसार जो है सांपों के भेद कितने हैं, तीन हैं। सुश्रुत में कहा है असि त्वमेव त्वयैव सर्पाणाम विद्यते पंचधा, पांच भेद जो है सांपों के सुश्रुत मानते हैं, सांपों के भेद कितने मानते हैं। देखो मैं हमेशा बुक में हिंदी में क्या लिखा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है संस्कृत की ये वर्ड। जब तक ये त्रियो नहीं लिखा होगा जब तक तीन आंसर नहीं बनता कभी, और जब तक पांच धा नहीं लिखा, पांच नहीं लिखा, तब तक पांच प्रकार होते हैं, ये आंसर नहीं बनता है, ठीक है। फिर इन पांच को उनने फिर से तीन में बांटा है कि ये पांच जो है पौना तीन भी हो सकते हैं। तो सुश्रुत के अनुसार तीन भी सही आंसर है, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये पांच प्रकार जो है वो तीन हो जाते हैं। जैसे चरक में उन्माद के भेद जो है पांच बताए गए हैं, फिर निजागुण तो फिर से दो भी बताए गए हैं, तो पांच भी ठीक है और तीन भी ठीक है सुश्रुत के अनुसार। पांच में कौन कौन से आते हैं, तो दर्भिकर आते हैं, दर्भिकर की संख्या जो है वो 26 है। अब इसको याद करते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, तो दर्भिकर में दा से आता है दब, है ना, दबाव कब होता है आपको 26 साल में, 26 साल में दबाव होता है कि भाई अब कंप्लीट हो गया यूजी पीजी, अब नौकरी कैसे मिलेगी, तो 26 ईयर्स में हमारे अंदर दबाव रहता है। फिर आओ मंडल जो है, मंडल मंडल की संख्या जो है वो 22 होती है। तो मंडल जो है यानी जो मंगल मंडल की आकृति होती है वो गोलाकार होती है, जैसे आपकी ऑडी का चिन्ह होता है चार पहियों का, ओलंपिक का होता है, ऐसा करके। तो मंडल कैसे होते हैं, दो दो गोले होते हैं जैसे कार में चार पहिए होते हैं, तो मंडली की संख्या जो है 22 है। राजीमान कैसे याद करेंगे, राजी हम आपको 10 में से 10 नंबर देने में राजी हैं, अच्छा पढ़ोगे तो पूरे नंबर दे देंगे, तो 10 में से 10 के लिए राजी हो गए हम, राजीमान 10 में से 10। निर्विष कितने होते हैं, तो एक दर्जन करके याद कर लेंगे, दर्जन निर्विष कितने हैं, एक दर्जन है। ठीक है, व्याकरंज कितने होते हैं, तो करंज जो है, जो करंज होता है
उसके भेद जो है भावाभास में जो है वो तीन बताए गए हैं, करंज, नक्तमाल और पूती करंज जैसे करके। तो करंज के भी भेद तीन होते हैं और बैकरंज के भी भेद तीन होते हैं, ऐसा करके याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं सर्पदंश के प्रकारों में, तो सुश्रुत में तीन बताए गए हैं, चरक में चार बताए गए हैं और बागभट में जो है वो पांच बताए हैं। तो ये तीन कौन कौन से होते हैं, तो सर्पित, रदित, तापी, तृतीयम। तो तीसरा जो है वो तृतीय जो है शब्द इसमें आता है, इसका मतलब सुश्रुत में कितने हैं, तीन हैं। सर्पित, इसमें जो सांप है वो जहां काटता है वहां पर सोप होता है, यानी सूजन होता है, तो सर्पित सासोप होता है, सासोप होता है, सर्पित सासोप होता है, ऐसा याद रखना है। गहराई युक्त एक या दो या बहुदंश चिन्ह इसमें देखने को मिलते हैं और अल्प रक्त स्राव देखने को मिलता है। तो दंश स्थान बहु होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं सर्पित में। और उनकी आकृति कैसी होती है, तो इसमें लिखा है चंचु मालक युक्तानि व्याकृत करणानि च। चंचु माकल यानी जो इमली के बीज होते हैं वैसे निशान वहां पे बनते हैं। स्पेशल है ये, इतना बारीक में नहीं लिखा है, लेकिन हमको डिटेल पढ़ना है तभी उस पढ़ने का मतलब निकलेगा, अन्यथा आपको एक बार पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे। दूसरा जो होता है रदित है, अल्प विष युक्त होता है, इसमें लोहित यानी लाल कलर के, नीले पीले या सफेद कलर की रेखाएं होती है। तो रदित का मतलब होता है रेखाएं, रदित वाला रेखा युक्त होता है, रा से रेखा, सा से सासो। वो जो निर्विष होता है उसमें सोप नहीं होता है, सबसे बड़ी पहचान यही है कि निर्विष में सूजन नहीं आती है ना। जरूर हर सांप के काटने से आप मर जाओ ये जरूरी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि निर्विष है तो उसमें सांप काटेगा नहीं, सांप तो काटेगा लेकिन उसमें विष नहीं होता है। तो इसमें दंश चिन्ह जरूर मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि दंश चिन्ह नहीं मिलेंगे, निर्विष है तो दंश चिन्ह उसमें नहीं होंगे। ऑब्वियस है सांप तो काटेगा लेकिन उसका विष नहीं चढ़ेगा आपको, सूजन नहीं आएगी आपको, सबसे पहली चीज है असोप होता है निर्विष। फिर आओ सर्पाभिहत, सर्पाभिहत को भेदों में नहीं बताया है सुश्रुत ने। सुश्रुत ने कहा है कि भीरु व्यक्ति में सांप के छूने मार से कुपित वायु किसी किसी व्यक्ति में शोथ उत्पन्न कर देती है, उसी को सर्पाभिहत कहते हैं। तो सर्पाभिहत में कौन सा दोष होता है, वायु दोष होता है, क्या क्या सिम्टम उत्पन्न होता है, शोथ उत्पन्न होता है, ये अपन को मालूम होना चाहिए। क्या क्या दोष है, वायु, और क्या लक्षण है, शोथ, उसको सर्पाभिहत कहते हैं। चरक ने इसी को शंका विष कहा है, ठीक है। चरक की चिकित्सा में हम हमेशा डाउट करेंगे कि चरक को अगत का इतना वर्णन नहीं है चरक संहिता में, तो हमें चरक ने जो अगत पढ़ाई है उस पर हमेशा डाउट रहेगा, तो इसलिए शंका विष का वर्णन किसमें है, वह चरक में है, ऐसा हमें याद रखना है। अब बढ़ते हैं जो बागभट्ट में, तो बागभट्ट में पांच प्रकार बताए हैं जिसका वर्णन अष्टांग हृदय के 36वें अध्याय में है, 11 से लेकर 13वां श्लोक है। ये बागभट्ट की मौलिक देन है, बागभट्ट ने स्पेशल चीज बताई है। ये पांच ऑप्शन है एग्जाम में, पांच प्रकार आ जाते हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं, पारिक में केवल संख्या लिखी है लेकिन संख्या से हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं टुंडा हथ, टुंड धन आहत, टुंड बोलते हैं डंक, जो जो सांप का जो दांत का डंक होगा उसको। तो जब कोई व्यक्ति आपको आपकी मर्जी के बिना टच करता है तो आप आहत हो जाते हो कि मुझे टच कर लिया, मुझे किस कर लिया बिना मुझे पूछे। तो सांप ने जैसे अपनी लार से, अपनी जीभ से टच किया है, किस किया है, तो लाला परिक्लेद, केवल लार टच हो गया आपके शरीर पे और दंश जो है इसमें नहीं दिखाई देते हैं, तो भी लार किसी ने टच किया तो आप उसको टच से आहत हो गए, तो टुंडा हाथ में केवल लार दिखाई देती है। फिर जो ब्यालीड होता है, लीड जो है वो खाने के प्रकारों में आते हैं, आहार के चार प्रकार होते हैं, असित, खादित, लीड, पेय। तो जो लीड है यानी खा गया सांप, तो सांप ने क्या खा लिया है, तो यहाँ पर एक से दो दंश चिन्ह दिखाते हैं लेकिन किंतु रक्त स्राव नहीं होता है, रक्त स्राव नहीं होता है इसका मतलब सांप ने आपकी जस्ट त्वचा खाई है। लीड यानी क्या लीड कर लिया है, क्या खा लिया है, तो त्वचा, जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वो पहले मैं केवल टच किया था दूसरे को, इसमें स्किन जो है वो खा गया है, स्किन हटी तो आपको खून नहीं निकला लेकिन यहाँ रक्त स्राव नहीं होता है, ये अपन को मालूम होना चाहिए कि ब्यालीड में रक्त स्राव नहीं होता है। लीड यानी खाना, कोई जो है रक्त नहीं खाता है, लीड में रक्त नहीं निकलता है। लुप्त का मतलब अब लुप्त हो गया, मतलब कुछ चीज गोल हो गई है,
तो इसमें दंश चिन्ह होते हैं, रक्त स्राव होने लगता है, तो इसका मतलब इसमें कौन सी धातु लुप्त होती है, रक्त धातु लुप्त होती है जो है, रक्त जो है रक्त धातु लुप्त होने लगती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि रक्त धातु जो है व्यालुप्त में लुप्त होने लगती है, कौन सी धातु, रक्त धातु लुप्त होने लगती है। दंष्टक में व्यक्ति के, जैसे पेशेंट किसी को ने सांप ने काटा है किसी को, अपन बोलते हैं इसको ऑब्जर्वेशन में रखना है, इसको देखते रहना क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो एक व्यक्ति टक 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 टकटी लगा के 3-3 घंटे से देख रहा है, 3-3 घंटे से देख रहा है, ऐसा मैं याद कराना चाहता हूँ, टक लगा के 3-3 घंटे से देख रहा है और अपने डॉक्टर को बता रहा है कि इसका ब्लीडिंग रुकी नहीं रही है, विच्छिन्न स्राव हो रहा है। ठीक है, तो कैसे याद करना है दंष्टक को, दंष्टक को ऐसे याद करना है कि कोई व्यक्ति टक लगा के दिखा है, टकटकी लगा के 3-3 घंटे से देख रहा है, ड्यूटी लगा देते ना अपन, 3-3 घंटे से देख रहा है, इसमें दंश स्थान, तीन तीन दंश स्थान के चिन्ह देखने को मिलते हैं, और ये फिर वो बोल रहा है कि इसका ब्लीडिंग तो रुकी नहीं रही डॉक्टर साहब, मैं 3 घंटे से देख रहा हूँ, तो विच्छिन्न रक्त स्राव होता है इसमें, ये हमें मालूम होना चाहिए इसमें दंष्टक में। फिर और दस्ता निष्पीड़ित, ये पीड़ित हो गया, ये इसके एक तो चार अक्षर वाला शब्द पहली बार जुड़ा है कोई, है ना, चार अक्षर वाला शब्द जुड़ा है कोई, इसमें चार दंश स्थान, दंश पद जो है स्थान देखने को मिलते हैं निष्पीड़ित में। वैसे भी कहते हैं कि दो दांत जो है सांप के होते हैं, दो जो है नागिन के होते हैं, तो दोनों ने काटा है, तो अब तो आप बचने वाले नहीं हो, उसमें निरंतर रक्त स्राव होता है, विच्छिन्न, एक तो रक्त स्राव शब्द आया, फिर विच्छिन्न आया, फिर निरंतर रक्त स्राव आया, और ये दंश स्थान निष्पीड़ित जो है वो असाध्य होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति बचने वाला नहीं है, जिसने जिसमें केवल सांप ने चाटा था आपको, टुंडा आहुत या ब्यालीड, वो जो है साध्य होता है। स्किन भी हटी थी, स्किन तो नई पैदा हो जाएगी, स्किन तो बनती रहती है, 21 दिन में फिर से नई स्किन आ जाती है, तो टुंडा आहुत और ब्यालीड साध्य है। लुप्त जिसमें हो रहा है, टक जिसमें हो रहा है, दंश टक हो रहा है, वो जो है कच्छ साध्य है, और दस्ता निष्पीड़ित क्या होता है, असाध्य होता है। इसके बाद बढ़ते हैं अपन अरिष्टा बंधन में, अरिष्टा बंधन जो है वो चरक में जो विष के उपक्रम बताए 24, उसमें दूसरे नंबर पे आता है, ये पहला मंत आता है फिर अरिष्टा आता है, तो चरक में जो है मंत और अरिष्टा दोनों से विष को बांधने का निर्देश चरक चिकित्सा में दिया हुआ है, 23वां अध्याय का 38वां श्लोक है, तो मंत अरिष्टा दोनों का प्रयोग करने के लिए बोला है। चरक की शुरुआती मंत्रोपचार फिर अरिष्टा से होती है विष के उपक्रमों की। सुश्रुत में अरिष्ट बंधन दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर बताया है, तो कितने अंगुल ऊपर बांधते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए, 4 अंगुल ऊपर बांधते हैं। सुश्रुत काल्प अध्याय 5वां है, उसमें जो सर्प विष की चिकित्सा है वो अरिष्टा बंधन से स्टार्ट होती है। तो ये था अगत का तुलनात्मक अध्ययन, अब बढ़ते हैं अपन शल्यम। सबसे पहले देखते हैं शल्य में, शस्त्रकम में चरक में 6 बताए गए हैं, शस्त्रकम, पाटन, वेदन, पाटन यानी चीरा लगाना, वेदन यानी पंचरिंग, छेदन यानी काट के अलग करना, लेखन यानी स्क्रैपिंग, प्रच्छान जो है वो रक्तमोक्षण का एक प्रकार होता है, और सीवन यानी सूचरिंग। ऐसे करके चरक में जो है वो कितने बताए गए हैं, टोटल 6 बताए गए हैं। षड् शब्द आता है, यानी चरक में यहाँ पर षड् शब्द यूज करते हैं, यानी संख्यावाची क्वेश्चन बनता है। सुश्रुत में आते हैं तो सुश्रुत में 10 हैं, वो सुश्रुत में 8 हैं, भेदन, वैधन, छेदन, लेखन, ऐषण, आहरण, विश्रावण और सीवन। तो सुश्रुत में ऐषण, आहरण और एक्स्ट्रा बताए गए हैं, ऐषण यानी प्रोबिंग, आहरण यानी एक्सट्रैक्शन, जो है एस और आ, ऐषण आहरण सुश्रुत में अलग से बताए गए हैं, टोटल 8 हो जाते हैं। अष्टांग हृदय ने 13 बताया, उनने बताया कि उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, दहन, ग्रहण ये और होते हैं इसके अलावा। तो जो चीज 6 होती है, 8 होती है, और कोई व्यक्ति का एक खड़ा होके बोलता है कि नहीं ये तो 13 होती है, तो अपन बोले तुमने कहाँ से पढ़ लिया भैया, तुम कहाँ से सीख के आ गए इतना सब। तो बागवत ने बोला यूके, यू मतलब उत्पाटन, के यानी कुट्टन, यूके मंथन को यूके से सीख के आए, तो यूके से मिली डिग्री ग्रह,
यूके से मिली, दहान के लिए मैं डिग्री बोल रहा हूं, डिग्री डिग्री करके आता है ना, डिप्लोमा डिग्री करके आता है व्यक्ति। तो भागवत ने कहा ये मैं कहां से सीख के आया हूँ, यूके से, उत्तराखंड, उत्तराखंड से नहीं, मतलब यूरोप जो भी कहना है वहां से सीख के आया हूँ। ठीक है, अष्टांग संग्रह ने कहा है कि ये वो तुम सीखने तो आए हो, लेकिन ये जो दहन है ये कैसे, बिलय बिंदु विलेखा दहन विशेषा, ये तो अग्निकर्म होता है, दहन अग्निकर्म को शस्त्र कर्म में कैसे इंक्लूड कर रहे हो, इसलिए उन्हें दहन नहीं माना है अष्टांग संग्रह करने, किसने नहीं क्या नहीं माना है दहन, क्योंकि दहन किसको कहते हैं, अग्निकर्म को कहते हैं, शस्त्र कर्म के कई प्रोसेस में अग्निकर्म होता है, इसलिए जो आपके अष्टांग संग्रहकार हैं उन्होंने दहन नहीं माना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं व्रण बंधन के प्रकारों में, तो व्रण बंधन के प्रकार जो है वो चरक में दो बताए गए हैं, संख्यावाची शब्द मतलब क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, द्विविधम बंधस्य द्विविधा शस्तो व्रणाम स वै दक्षिण, यानी कि वाम और दक्षिण करके दो प्रकार इसके होते हैं, दक्षिणावर्त होता है और वामावर्त। तो श्लोक में द्विविध आता है, संस्कृतवाची, संस्कृत जब संख्या लिखी रहती है तो उसका संख्या का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो चरक में दो है, सुश्रुत में चतुर्दश बंध विशेषा आता है, यानी सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 18वें चैप्टर में लिखा है कि जो है बंधन व्रण बंधन कितने होते हैं, 14 होते हैं। जो बागभट्ट है उनने 15 बताए हैं, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 29वां अध्याय उसमें 15 बताए हैं, और 15वां जो है उनने उत्सन्न बताए, ऊपर उठ के, जैसे किसी व्यक्ति को कोई एक्स्ट्रा आता है तो बोलते हैं कि हाथ ऊपर करो, किसको किसको एक्स्ट्रा आता है, तो इनने हाथ ऊपर करके बताया, टूटा हुआ हाथ ऊपर करके बोला कि यार एक उत्संग और होता है, तो ये उत्संग हाथ ऊपर करके बताया किसने, बागवत ने बताया, ऐसा याद करना है, टूटा हुआ बाहू जो को बांधते हैं उत्सन्न वग्न से। फिर आते हैं उदावर्त का, तो ये तो मतलब रिपीटेशन है, पारिक में इससे पहले जो पहला दूसरा पेज था उसमें भी उदावर्त के भेद थे, यहाँ पर फिर से बताए गए हैं। तो चरक में तो 6 होते हैं, जो कि चरक सूत्र स्थान 19वां अध्याय स्टोरेज अध्याय है, वहीं से भेद तय होते हैं, तो वहां बोला गया कि दो रोग होते हैं जिसके 6 भेद होते हैं, एक तो अतिसार और एक उदावर्त, तो चरक में उदावर्त के भेद अष्टोत्तरी अध्याय में उनकी संख्या कितनी है, 6 है, उस चैप्टर में जितनी भी चीजें बताई गई हैं सबकी संख्या बताते हैं, तो 6 है, और काश्यप में भी 6 बताई गई है, जैसे चरक ने बताया वैसे काश्यप ने बताया है। सुश्रुत में उत्तर तंत्र जो है उसमें अध्याय है उदावर्त प्रति सीधी अध्याय, वहां पर 13 वेग धारण होते हैं जिनको अधारणी वेग कहते हैं, अनलेस वैसे सुश्रुत में अधारणी वेग नहीं बताए गए हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि 13 धारणी वेग जो होते हैं उनको धारण करने से, और एक अपत्य निमत्तज, ये भी ध्यान रखना स्पेशल है, इस श्लोक में आता है अपत्य निमत्तज, उत्तर तंत्र 55वां अध्याय है उदावर्त प्रतिषेध उसमें आता है, तो 13 वेग धारण करने से 13 होते हैं और एक अपत्य निमत्तज होता है, ये बारीक में नहीं लिखा है, ये आप अलग से कि एक अपत्य निमत्तज होता है। ठीक है, इसके अलावा भेल में 4 होते हैं, वो पारिक में लिखे हुए हैं, भेल में जो है वो कितने बताए गए हैं, 4, छूटा है यहीं गया, मैं लिख देता हूँ क्योंकि रेफरेंस मैंने देखा नहीं था इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया था, भेल में उदावर्त जो है वो 4 बताए। फिर आते हैं अस्मरी के भेद तुलनात्मक में, अस्मरी के भेदों में तो अस्मरी चारक में तो भेद वर्णित है नहीं है, मतलब पारिक में एक लिखा है, लेकिन मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि भेद तय होते हैं अष्टोदी अध्याय यानी 19वें अध्याय में, तो 19वें अध्याय में एक भेद वाले में अस्मरी नहीं लिखी है, वहां पर एक भेद वाले रोग कौन कौन से हैं, एक तो आपका उरुस्तम है, ठीक है, संन्यास है ना, आतत्वा निवेश है, तो वहां पर अस्मरी एक भेद में नहीं लिखा है, तो आप कभी भी ऐसा आंसर नहीं दे कि चरक ने अस्मरी के एक भेद माने हैं, भेद का वर्णन चरक में नहीं है, ऐसा ही याद करना है, चरक चिकित्सा अध्याय 25 में जो चैप्टर है उसमें जरूर वो संप्राप्ति बताते हैं, उसके लक्षण बताते हैं, लेकिन भेद एक होता है ऐसा नहीं लिखा है, भेद का वर्णन नहीं है। सुश्रुत में स्पष्ट 4 भेद हैं, वात पित्त कफ शुक्रज,
तो सुश्रुत में स्पष्ट चार भेद बताए गए हैं। सुश्रुत निदान अध्याय जो है वो तीसरा जो है वो आसमरी से ही संबंधित है। फिर बढ़ते हैं वायु के आवरणों की संख्या में, तो वायु के आवरण जो है वो ऐसा लिखा हुआ का वर्णन नहीं किया है, पर मैंने इसको बिल्कुल क्लियर किया है। माधव निदान जब हम देखते हैं, माधव निदान के दो पार्ट हैं, और जो उसका पहला पार्ट है उसमें माधव निदान में 22वां अध्याय है। 22वें अध्याय में 22वां श्लोक है, जहां पर माधव तो एक संग्रह ग्रंथ है, उसमें मूल श्लोक थोड़े कम होते हैं, चरक सुश्रुत के श्लोक हैं, तो उसमें सुश्रुत निदान के जो श्लोक हैं उनकी कॉपी की गई है, यानी सुश्रुत के जो श्लोक हैं वो लिखे गए हैं, और सारे श्लोक नहीं लिखे हैं, 10 जो है आवरण के श्लोक लिखे हैं। इसलिए माधव निदान में अगर आपसे पूछा जाएगा कि आवरण कितने बताए गए हैं, तो उनकी संख्या का आंसर 10 होगा। तो ये आप सुधार सकते हैं, ये पारिक में गलत लिखा हुआ है कि आवरणों का वर्णन नहीं किया है, बुक में वर्णन है। सुश्रुत में 13 है ना, 13 जो धारणी अधारणी वेग जैसी संख्या है 13। बागभट्ट में 22 बताए गए हैं, बागभट्ट वैसे ही दो होते हैं ऐसा करके याद कर लेंगे, एक लघु बागभट्ट होता है एक वृद्ध होता है, तो है ना ये संख्या अपन को याद रह जाएगी एग्जाम हॉल में लघु वृद्ध करके। चरक में 42 बताए, सर्वाधिक जो आवरण जो है वो चरक में, आवरण चरक की देन है, इसलिए चरक के आवरणों का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, चरक है ना। दो भेदज भी बताते हैं वो, और फिर वो परस्पर भी बताते हैं, भेदज यानी जो प्राण अपान व्यान समान उदान इनके इनके भी बताते हैं, और फिर उनके भेदों के भी बताते हैं, इसलिए संख्या ज्यादा है। चरक में कितनी है 42, तो माधव में है 10 है ना, सुश्रुत में है 13, बागभट्ट दो दो है तो 22 है, और चरक में है 42। फिर बढ़ते हैं शुक्र दोष, तो शुक्र दोष की संख्या जो है वो श्लोक में जब तक संख्या नहीं लिखी जाती तब तक एग्जाम का क्वेश्चन बनता नहीं है, तो शुक्र दोष की संख्या है फेनिलम तनु रूक्षम च विवर्णम पूति पिछलम था अन्न धातु संसष्टम अपसादी तथा अष्टमम। इस श्लोक में अष्टम आता है, साफ साफ लिखा आता है, इसलिए शुक्र दोष जो है वो कितने होते हैं 8 होते हैं, हमें मालूम होना चाहिए। सुश्रुत संहिता में जो श्लोक है उसमें संख्या नहीं लिखी आती है, मतलब एकादश नहीं लिखा आता है, श्लोक पढ़ देता हूँ मैं आपके सामने। वात पित्त श्लेष्म में सौणित कुणप, कुणप कहते हैं मुर्दे जैसी गंध को, मुर्दे जैसी गंध आना, ग्रंथि पूति पुए छीन मूत रेतसो प्रजोत्पादनो न समर्थो भवंती, ये जो है प्रजा उत्पादन में यानी संतान उत्पन्न में समर्थ नहीं होते हैं दोषज वाले में। तो कुल मिला के इनको गिनते हैं, वात पित्तज कफ रक्तज कुणप ग्रंथि ग्रंथि पूति पुए छीन मूत्र और पुरीष मिला हुआ, ऐसा करके 11 हो जाते हैं। तो श्लोक में नहीं है, श्लोक में नहीं है, इसलिए आपके सामने ये दोनों ऑप्शन लिखे हो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे शुक्र दोष कितने होते हैं, 8 भी ऑप्शन लिखा हो और 11 भी लिखा हो, तो आपका आंसर हर हाल में 8 होना चाहिए, क्योंकि चरक में 8 लिखा हुआ है साफ साफ। इनमें से दोषज जो है साध होते हैं, यानी वात पित्तज कफ रक्तज ये साध होते हैं, कष्ट साध होते हैं ये गंध वाले है ना, कुपण गंधी ग्रंथि पूति पूय और छीन, और असाध होते हैं ये वाले मूत पुरीषस वाले जो है ये असाध होते हैं, ये दो असाध होते हैं, मूत मिला हुआ पुरीष मिला हुआ। एक क्वेश्चन ये बनता है कि कितने आर्तव और कितने जो है शुक्र दोष दोनों में समान है चरक सुश्रुत में, तो अगर आप गौर करोगे तो एक ही पूति गुण जो है दोनों में समान है, पूति गुण समान होता है। फिर आते हैं आर्तव दोष में, तो चरक में आर्तव दोष 8 बताए गए हैं, लेकिन कहाँ वर्णन है वो मिलता नहीं है। क्षीर और शुक्र दोष तो अष्टोत्तर अध्याय में लिखे रहते हैं कि शुक्र दोष 8 होते हैं, क्षीर दोष 8 होते हैं, 8 मानते हैं लेकिन चरक के, और सुश्रुत में 11 है, जो उन्होंने जहां शुक्र दोष की बात कही है वैसे ही वहां पर रिपीट करके बोला, ये तीसरा श्लोक था। 5वें श्लोक में ये बोला है कि जैसे शुक्र दोष होते हैं वैसे ही आर्तव दोष होते हैं। साध्यता साध्यता चेंज हो जाती है, आर्तव आग्नेय है तो आग्नेय होने से असाध्यता ज्यादा हो जाती है, साध्य वही है वाता पित्तज कफ जो पहले थे शुक्र दोष, बाकी शेष जो है कष्ट साध्य कुछ नहीं होता, सब क्या हो जाते हैं असाध हो जाते हैं, तो आर्तव की साध्य साध्यता चेंज हो जाती है। शुक्र दोष में केवल 2 असाध्य थे, आर्तव में 7 असाध्य होते। फिर बढ़ते हैं औसत सेवन काल में, तो सारंगधर में औसत सेवन काल जो है वो 5 बताए गए हैं, सबसे कम सारंगधर में ही है ना, और चरक सुश्रुत काश्यप में जो है वो 10 बताए गए हैं, उसमें 10 है। अष्टांग संग्रह ने संग्रह कर रखा है, उन्हें 11 बता रखा है, निशा
जो रात्रि होता है निशा होता है वो और उन्हें बता रखा है, अष्टांग में जो है निशा और बता रखा है ना। यहाँ पर जो है अलग से जो है वो निशा है। इसके बाद में बढ़ते हैं, मानव शरीर का प्रमाण बताया, तो चरक में जो प्रमाण होता है, संख्यावाची क्वेश्चन है, तो 84 अंगुल पर्व होता है। ये पर्व शब्द भी इम्पोर्टेंट है जो कि आता रहता है, पर्व शब्द भी इम्पोर्टेंट है, 84 अंगुल पर्व होता है। और श्लोक है केवलम शरीरम अंगुली पर्वाणी, पर्व यहाँ पर भी आता है। चतुर्शीति है ना, तो ये चतुर्शीति का मतलब होता है कि 84 होते हैं। सुश्रुत में 120 अंगुल होता है। सुश्रुत क्या कहते हैं कि आप पैर के पंजे के पे खड़े हो जाओ और हाथ ऊपर कर लो। चरक तो पंजों पे खड़े होने के लिए बोलते हैं, सुश्रुत हाथ ऊपर करने के लिए बोलते हैं। तो हाथ जब हम ऊपर करते हैं तो हाइट बढ़ जाती है हमारे शरीर की, मतलब जैसे पुलिस बोलता है हैंड्स अप, हाथ ऊपर हैंड्स अप, तो सुश्रुत भाई हैंड्स अप कराते हैं, हाथ ऊपर कराते हैं, उसके बाद में नापते हैं। तो उसमें क्या ऐसा विंसम अंगुल शतम, 100 और 20 है ना, 100 और 20 यानी टोटल जो है 120 अंगुल जो है प्रमाण होता है। 100 अंगुल शतम, 120 अंगुल सुश्रुत में बताया। अष्टांग में 84 अंगुल है, उसमें पर्व शब्द नहीं आता है। हृदय की बात करें संग्रह में तो 84 है, हृदय की बात करते हैं तो हृदय में लिखा है स्वस्वहस्त, स्वस्वहस्त यानी अपना हाथ, त्रय यानी 3 और अर्ध है ना, त्रय अर्ध यानी 3.5 जो है हाथ, अपने स्वयं के 3.5 हाथ जो है मनुष्य का प्रमाण होता है। तो यहाँ पर श्लोक में साफ साफ 3.5 लिखा आता है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो याद रखने का तरीका, अष्टांग हृदय जो है वो यंग है, जो मतलब ये वृद्ध है, ये वृद्ध है, ये व्यक्ति वृद्ध है। अष्टांग संग्रह को वृद्ध बागवट कहते हैं, और ये व्यक्ति यंग है। तो जो यंग व्यक्ति की कभी लड़ाई होती है तो सबसे पहले कॉलर ऊपर करता है, मतलब वो हाथों की जो कॉपिंग होती है जहां पर अपन बटन लगाते हैं हाथों में शर्ट के, उसको ऊपर करता है, चढ़ाता है, बोलता है कि क्या बोला मुझे, मैं अभी बताता हूँ तेरे को, आ जा कर ले दो दो हाथ। तो यंग व्यक्ति हाथ दिखाने की बात करता है, हाथ है ना, हाथ खोलता है लड़ने के लिए। तो हाथ वाला जो है वो अष्टांग संग्रह का नहीं है, अष्टांग हृदय का है, ऐसा याद करना है। अष्टांग संग्रह का नहीं है, किसका है, हृदय का है। फिर बढ़ते हैं अपन छौरकर्म में, जो है जिसको अपन दाढ़ी मूछ बनाना कहते हैं। चरक में ये दिनचर्या में बताया गया है 5वें अध्याय में, पौष्टिकम ब्रस्य आयुष्यम शुचि रूप विराजनम केश श्रम सु नखादिनाम कल्पनम साप प्रधानम। तो पौष्टिकम शब्द से यूज किया है, जब व्यक्ति हाथ जो है अपने दाढ़ी मूछ बना लेता है तो थोड़ा पुष्ट लिखता है, उससे पहले तो ऐसे ही बीमार सा नजर आता है ना, दाढ़ी मूछ बड़ी रहती तो आदमी पूछता है कि क्या हालत खराब कर रखी है। कितने दिन में कटाना चाहिए दाढ़ी मूछ यानी छौर कर्म कराना चाहिए, तो त्रिपक्षस के श्रमसु लोम नख संहारित, चरक सुश्रुत बागवट ये कह रहे हैं कि 15 दिन में 3 बार, क्योंकि ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मतलब ये तीनों जो है वो भृत्यई में आते हैं, तो भृत्यई में आदमी को अप टू डेट रहना पड़ेगा, मतलब अच्छा बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि इनका नाम है भैया, चरक भी बहुत बड़े आचार्य हैं, सुश्रुत भी बागभट्ट है, इसलिए ये पक्ष में 3 बार बोलते हैं, 3 बार। और भेल जो है वो थोड़ा कम नाम चलता है, बुक भेल की बुक अपन कम पढ़ते हैं, तो वो मास में महीने में 3 बार बोलते हैं, ये 15 दिन में 3 बार, ये महीने में। और क्षार पाणी को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, बोले क्षार हमें चाहिए नहीं, तो फिर उन्हें 3 महीने में 1 बार बोला। ठीक है, तो याद रह जाएगा कि चरक सुश्रुत बागवट अपने मेन भ्रतृ के आचार्य हैं। फिट रहना है, अप टू डेट रहना है, कहीं पर भी कोई भी बुला सकता है भाषण देने के लिए, तो वो 15 दिन में 3 बार कटवा रहा है। भेल थोड़ी आदिवासी जनजाति को भी कहते हैं भेल, तो वो थोड़ा सा महीने में 3 बार करवा रहे हैं। और क्षार पाणी की इतनी उपेक्षा की गई है, क्षार की
चार की इतनी परीक्षा की गई, वो 3 महीने में एक बार करवा रहे थे, है ना, 3 महीने में एक बार, ऐसा करके इनको याद रखना है। अब रोगो ज्ञानोपाय, यानी रोग का ज्ञान कैसे होता है, तो चरक विमान अध्याय 4 जो है उसमें लिखा है, त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति, यानी 3 प्रकार के रोग को ज्ञान करने के उपाय होते हैं। त्रिविधम खलु रोगो ज्ञान रोग विशेष विज्ञानम भवति तत्तथा आप्तोदेश प्रत्यक्ष अनुमान चेति, यानी कि आप्तोदेश, यानी हम सबसे पहले बुक पढ़ते हैं, जैसे हम हमें कोई रोग पढ़ना है तो सबसे पहले हम पैथोलॉजी की बुक लाते हैं, उसको पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष यानी जैसे प्रैक्टिकल होता है, एनाटॉमी के प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो वो प्रत्यक्ष हो गया। इसके अलावा क्लिनिकल जो अपनी ड्यूटी लगती है वार्ड में, वहां पर अपन पेशेंट देखते हैं, वो प्रत्यक्ष हो गया। फिर जो चीजें नहीं देखी रहती वो अनुमान करके बोलते हैं। अगर हार्ट में नॉर्मल साउंड लब डब है, तो अगर हार्ट का कोई एक बाल काम नहीं करेगा, तो जैसे दरवाजा टूटा हुआ आवाज आती है, वैसे उसमें से आवाज आएगी, तो मरमर साउंड का हम अनुमान लगा लेंगे, इन जबकि हमने मरमर साउंड नहीं सुनी है किसी पेशेंट में। तो ऐसे करके इम्प्रोवाइजेशन करके हम लोग किसी चीज को सीखते हैं। सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं, आप्तोदेश प्रैक्टिकल करते हैं प्रत्यक्ष, और जो थ्योरी प्रैक्टिकल में हम नहीं कर पाते हैं उसका फिर अनुमान लगाना पड़ता है। जैसे कभी कभी जैसे अपनी कोई क्लास मिस हो गई, किसी के नोट्स मिल गए, पढ़ लिए अपन ने, लेकिन फिर हम सबको अनुमान लगाना पड़ता है, अच्छा टीचर ने ऐसे पढ़ाया होगा। षड्विध परीक्षा जो है वो सुश्रुत की है, सुश्रुत ने कहा है, षड्विधो ही रोगाणाम विज्ञानोपाय, तो यहाँ रोगाणाम विज्ञानोपाय यानी रोग का ज्ञान प्राप्त करने के उपाय जो है वो 6 होते हैं। श्लोक में षड्विधो आता है, वो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, संस्कृत में जब षड्विधो या तिर्विध लिख गया तो वो क्वेश्चन अपने आप में संख्यावाची क्वेश्चन तो उसमें बनना तय है कि कितने होते हैं। तो चरक में 3 त्रिविधम और सुश्रुत में षड्विधम। षड्विधम में कहा है, तद्यथा पंच भी श्रोतादि भी प्रश्नेन रचेति, यानी 5 जो है आपकी पंच इंद्रियों की परीक्षा होती है, और एक प्रश्न होता है, मतलब अपन पूछते हैं पेशेंट से, बताओ क्या तकलीफ है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, इस टाइप वो जो है 6वीं होती है प्रश्न परीक्षा, है ना, इसी को श्रेष्ठ परीक्षा भी बोला गया है षड्विद को सुश्रुत ने। तो चरक में तो 3 ही है ज्ञान प्राप्त करने के, आप्तोदेश प्रत्यक्ष अनुमान, और सुश्रुत में षड्विद है, पंच इंद्रिय की परीक्षा और एक प्रश्न परीक्षा। इसके बाद पढ़ते हैं यंत्र टॉपिक में, तो यंत्र टॉपिक में कहा है, प्रधान यंत्र होता है हस्त, हाथ जो है वो प्रधानतम यंत्रों में आता है। यंत्र की संख्या सुश्रुत में 101 है और अष्टांग हृदय में 106, 5 का अंतर है केवल दोनों में, 101 और 106। 101 थोड़ा सा एक अच्छा रीजनेबल बढ़िया फिगर होता है ना, पैसे देने का व्यवहार लिखवाने का, तो सुश्रुत थोड़े व्यवहारिक है, 101 बताया है। यहाँ पर सुश्रुत कहते हैं, तत् मना शरीर बाधकारिणी शल्याणि तेषां आहरण उपाय यंत्राणि, यानी मन और शरीर को जो बाधा पहुंचाता है उसको शल्य कहते हैं, और उसको आहरण करने के यानी उसको निकालने के उपाय को यंत्र कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर को जो बाधा पहुंचाता है वह शल्य कहलाता है, और उसको निकालने का उपाय जो है वो यंत्र कहलाता है। यंत्रों की संख्या में आते हैं, तो आकृति भेद से यंत्र के कितने प्रकार होते हैं, 6 होते हैं, आकृति भेद से होते हैं 6। सुश्रुत में संख्या, ये सुश्रुत का लिखा हुआ है, सुश्रुत में 101 है, अष्टांग में 106 है। अब आते हैं इसमें, सबसे पहले स्वास्थ्य के यंत्र जो हैं वो कितने होते हैं, उनकी संख्या जो है 24 होती है। ठीक है, स्वास्थ्य के यंत्र आप सभी ने बनाया होगा, आप सभी बनाते हैं उसको, स्वास्थ्य के यंत्र को, नहीं मतलब बिना कांटे बनाना चाहिए, वो तो बनेगा नहीं मेरे से बिना कांटे, सिंपल सा अगर अपन स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, तो जो स्वास्तिक जो होता है वो 4 कोण होते हैं, फिर 2 यहाँ पर रिद्धि सिद्धि बनाई जाती है, ऐसे करके 4 और कोण और रिद्धि सिद्धि करके 24 होता है। और आपकी जब शादी वगैरह होती है घर में, तब स्वास्तिक बनता है, तो 24 साल में तो माँ बाप सुनते ही नहीं है, मतलब 23 साल में BMS हो गया, तो 24 साल में तो स्वास्तिक बनवाई देते हैं, मतलब तो स्वास्तिक 24 घंटे भगवान के लिए वो है, अच्छा माना जाता है, गणेश जी के लिए है वो स्वास्तिक का चिन्ह। तो 24
ठीक है, और 24 साल में जब शादी विवाह होती है तब बनता है स्वस्तिक का चिन्ह, और शादी के लिए एज जो है वो 18 साल होनी जरूरी है, तो अष्टांगुल उसका प्रमाण होता है, ऐसा याद करना है। सदंश में आते हैं तो सदंश जो है दो होते हैं, दांत वैसे ही दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी होते हैं एक दूध के दांत होते हैं, दंश दो बताए हैं ऐसा मतलब ये तो मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ। एक मतलब सा निग्रह आ निग्रह करके दो होते हैं, और यहाँ पर मुचुंडी और 6 अंगुल सदस्य दो एक्स्ट्रा बताते हैं बागवत, मुचुंडी और 6 अंगुल सदस्य, ठीक है। और यहाँ पर अभी अभी जैसे अपन ने दंश जांगम में भी होते, तो जांगम के कितने अधिष्ठान होते थे अभी अपन ने पढ़ के पढ़ा था, तो जांगम के 16 अधिष्ठान होते हैं, ऐसे करके याद करेंगे 16, है ना। जांगम दंश दंश अभी पढ़ा अगध में दंश, तो दंश में जांगम के दंश कितने हैं 16, 16 अंगों इनका प्रमाण होता है। तालयंत है ना, ताली बजाते हैं एक हाथ से दूसरे हाथ से, तो तालयंत दो होते हैं, ऐसा करके याद रख सकते हैं अपन, कोई बड़ी चीज नहीं है, तालयंत दो होते हैं, डिटेल सल में पढ़ते हैं अपन उनका। और नाड़ी यंत्र जो है वो उनकी संख्या 20 होती है, नाड़ी किसी को दिखा रहे हैं हम अपनी नाड़ी दिखा रहे हैं, मतलब कि वैद्य जी हमारी नाड़ी दिखा देख लीजिए, तो ने उसने 20 रुपए ले लिया अपन ने, 20 होते हैं नाड़ी, ऐसे करके याद करना है। और अष्टांग ने 3 एक्स्ट्रा बताई है, नाड़ी अंत की संख्या 23 बताई है, तो तुमने 3 एक्स्ट्रा मतलब माता पिता का पास नाड़ी भी जोड़ दी, 23 बता दी, ऐसा करके दिमाग में बैठाना है या रखना है। शलाका यंत्र जो है वो उनकी संख्या 28 होती है, शलाका का जो यंत्र का प्रयोग करता है उसको हम जो है ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, तो 3 साल की पीजी पीएचडी कर ली उसने, तो 28 साल में बन पाया शलाका चलाने वाला, 28 है शलाका यंत्र। बागभट ने इसमें भी 6 जोड़ दिए हैं, 34 बताए हैं, बागभट में संख्या ज्यादा है 34। यहाँ पर मैं ताल यंत्र बोल देता हूँ कि एक हाथ से बजाएंगे दूसरे हाथ से बजाएंगे, तो ताली एक और एक पहले एक हाथ फिर दूसरा, ऐसे 12 अंगुल हो जाता है, ऐसा याद रखना है। उपयंत्र की संख्या आते हैं तो उपयंत्र जो है वो सुश्रुत में बताए गए हैं 25 और अष्टांग हृदय में बताए गए हैं 19। इस प्रकार से ये जो 6 प्लस किए थे ये 6 माइनस हो गए, तो ये 2 और 5 ये संख्याएं जो है वो जुड़ जाएंगी किसमें, 101 में, 101 प्लस हो जाएगा 5, तो फिर ये जो है टोटल कितना निकल आता है 106, अष्टांग हृदय में 106 हो जाते हैं, ये 5 जुड़ जाएगा। उसके अलावा ये 6 शलाका यंत्र जुड़े हैं लेकिन उपयंत्र कम हो गए 19 हो गए, इसलिए संख्या जो है वो 106 रह जाती है। अब बढ़ते हैं शस्त्रों में, तो शस्त्र सुश्रुत में तो 20 बताए गए हैं, बागभट ने जो है वो 6 एक्स्ट्रा बताए हैं, तो वो 6 एक्स्ट्रा है वो हमें मालूम होने चाहिए। पारिक में तो केवल संख्या लिखी है लेकिन हम इसके डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आता है। तो जो सर्फ मुख करके एक एक्स्ट्रा बताया है जिसमें बोला है कि वह है कर्ण नासा अर्बुद के छेदन में काम में आता है, तो सांप के ऐसा कुल लोग कहते हैं कि कान नहीं होते वो तो मोशन को पकड़ता है, तो सांप का मुख मत देखो उसके कान देखो नाक देखो। लिंगनास शलाका यंत्र जो है लिंगनास के वेदन में काम में आता है, कूर्च जो होता है वह नीलिका व्यंग और केशों को खाड़ने में, और कुट्टन काम में आता है, कूर्च कुट्टन ध्यान रखना है, कूर्च काम में आता है कुट्टन, क्योंकि अभी अपन ने बोला था यूके से मिली डिग्री ग्रहण, तो यूके से मिली डिग्री ग्रहण में जो यूके था केप और कुट्टन था, तो कुट्टन में जो शस्त्र काम में आता है वो है कूर्च, कूर्च कुट्टन, कुकु 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 कुकु। खज आते हैं, खज जो है 8 कंटकों से बनी हाथों से मथकर, तो यह मथकर यानी मंथन, ठीक है ना, मंथन, तो अगर आपको खाज हो रही है तो आप उसको मथ लो मतलब खुजा लो, खाज मथ है ना, तो ये खाज खज जो है उसको उसका काम क्या है, मंथन है, मत कर। कर्तरी कैंची को बोलते हैं, कैंची का काम तो काटना होता है छेदन करना होता है, तो कर्तरी कैंची है, स्नायु सूत और
बालों को काटने के लिए इसका काम में आता है, और छेदन के लिए होता है। कर्ण वेदन शस्त्र जो है उनकी संख्या मतलब वो 26वां होता है टोटल, ऐसे करके 26 हो जाते हैं। और दिखने में यह युति का मुख मुकुल आनन यानी कि जो फूल की कली होती है वैसा दिखाई देता है। तो आपने सभी कान की वो बर्ड पढ़ी होगी, कान को जो साफ करने वाली बर्ड होती है, वो आगे ऐसा उसका स्वरूप बनाया जाता है कि वो फूल की कली जैसा होता है, इसलिए इसको युति का शस्त्र भी कहते हैं। कर्ण पाली वेदन में यह काम में आता है। अब बढ़ते हैं अपन मूल नाड़ी यंत्र। मूल नाड़ी यंत्र जो है सुश्रुत में 12 बताए गए हैं, फिर उसके भेद हो जाते हैं कि जो क्षार यंत्र होता है उससे दो भेद होते हैं, है ना, पुरुष वाला स्त्री वाला, ऐसे करके। बस्ती यंत्र जो है उसके अलग भेद हो जाते हैं। तो ऐसे करके डलहल में टोटल 20 बताए गए हैं। अनुशस्त्र क्या होता है? तो अनुशस्त्र शस्त्र न होते हुए शस्त्रों का जो कार्य कर रहे उसे अनुशस्त्र कहते हैं। अनुशस्त्र की संख्या सुश्रुत में जो है 14 बताई गई है। सुश्रुत का जो सूत स्थान का 8वां चैप्टर है उसमें 15वें श्लोक में इनकी संख्या 14 बताई गई है। बागवत में 12 है। बागवत के 12 कौन कौन से हैं? उनमें क्षार, जलौका, अग्नि, सूर्यकांत, कांच, कुरुबिंद, नख, है ना। इसके अलावा साक, सिपालिका आदि जो खरपत्र, समुद्र फेन और सूखा गोबर यानी शुष्क गोमय बताया। तो ये सूर्यकांत है ना, इसके अलावा ये समुद्र फेन, ये सूखा गोबर जो है वो स्पेशली जो है बागवत ने बताया, है ना। तो इसको ये 12 होते हैं, मेरे पुराने नोट्स में गलत था तो मैंने इसको सुधारा है। सूर्यकांत ध्यान रखना है, सूर्यकांत बागवत ने बताया है, समुद्र फेन जो है बागवत ने बताया है, और सूखा गोबर बागवत ने बताया होगा। सा सा से सूर्यकांत, समुद्र फेन और सूखा गोबर, जबकि सुसु में 14 ही होते थे। मांस, स्फटिक, कांच, कुरुवंद, अग्नि, क्षार, जलौका, बाल, नख, अंगुली, गोजीवा, करीर, शेफाली पत्र और साक पत्र। तो ये गोजीवा ये बागवत में नहीं है, ये हमें मालूम होना चाहिए। गोजीवा जो है बागवत में नहीं है। अनुशस्तों में श्रेष्ठ क्या होता है? तो चरक मानते हैं जलौका श्रेष्ठ होती है, और सुसु मानते हैं शास्त्र अनुशस्त में जो है क्षार को श्रेष्ठ मानते हैं। ये भी चूंकि हम पढ़ रहे हैं पारिक में तो नहीं लिखा है, लेकिन जबकि हम कंपरिजन पढ़ रहे हैं तो ये भी कंपरिजन हमें यही पढ़ लेना चाहिए कि जलों का जो है चरक श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि सुश्रुत में चूंकि क्षार कम ज्यादा यूज होता है तो वहां पर उन्होंने कहा शस्त्र अनुशस्त्र भेव क्षार प्रधानतमा। शस्त्र अनुशस्त्र में कौन प्रधान है? तो सुश्रुत मानते हैं कि शस्त्र अनुशस्त्र में क्षार प्रधान है। फिर बढ़ते हैं क्षार के भेद में। तो क्षार के भेद पाणिपति सारणी होते हैं, चरक में भी पाणिपति सारणी है। पति सारणी का मतलब लोकल यूज है, स्थानिक प्रयोग होता है, पानी जो है वो सर्वदायक होता है। श्लोक में आता है द्विविधम सुश्रुत अध्याय 11 जो क्षार का अध्याय है उसमें 6वां श्लोक है जिसमें द्विविधम साफ साफ आता है। तो संख्यावाची क्वेश्चन बनेगा कि कितने भेद होते हैं क्षार के, तो दो होते हैं। अष्टांग संग्रह में आते हैं, तो अष्टांग संग्रह में क्षार के दो भेद बताए, एक बाह्य परिमार्जन क्षार होता है, एक अभ्यंतर परिमार्जन क्षार होता है। वो एक्सटर्नल और इंटरनल यूज जिसे अपन कहते हैं, एक्सटर्नल यूज करना और इंटरनल यूज करना, तो अलग नाम दिए हैं अष्टांग ने, बाह और अभ्यंतर। इसमें बाह के लिए लिखा है अत बाह परिमार्जन त्रिविदो मध्यो मधु तीक्ष्म। तो जो बाह वाला होता है जिसको अपन प्रतिसारणी क्षार कहते हैं, उसके फिर तीन भेद हो जाते हैं, उसके तीन भेद हो जाते हैं, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। तो बाह परिमार्जन क्षार के तीन भेद किसने बताए? तो अष्टांग संग्रह कांड ने बताया, ठीक है। तो क्षार के मौलिक रूप से पहले दो भेद होते हैं, पानी पिति सारणी जो चरक सुश्रुत दोनों ने बताए हैं, और अष्टांग संग्रह कांड ने इन्हीं को नए नाम दिए हैं, बाह परिमार्जन और अभ्यंतर परिमार्जन। बाह मतलब एक्सटर्नल यूज और अभ्यंतर यानी इंटरनल यूज। जो बाह यूज वाला होता है उसके भी तीन भेद होते हैं, मधु, मध्यम और तीक्ष्ण। फिर आते हैं क्षार के गुणों में। तो क्षार के गुणों की संख्या जो है 8 होती है। सुश्रुत में श्लोक आता है, पूरे पहले क्षार के गुण बताते हैं, उसके बाद श्लोक में आता है क्षारो है अष्ट गुणा। तो क्षार जो है अष्ट गुण होते हैं, श्लोक में आता है। तो संख्यावाची क्वेश्चन है कि कितने होते हैं? 8 होते हैं। अष्टांग संग्रह जो कि बागवत है उसमें भी आता है, पूरे पूरे ये बताते हैं, बताने के बाद में लिखते हैं चेदि 10 क्षार गुणा।
तो 10 4 गुणा होते हैं, यानी अष्टांग संग्रह के हिसाब से 4 के गुण कितने होते हैं, 10 होते हैं। सुश्रुत में जो है 8 है और अष्टांग संग्रह ने 10 बताए। कौन कौन से? नाति तीक्ष्ण, नाति मृदु, शुक्ल, संलक्षण, पिच्छल, अभिसंधि, सौम्य, शीघ्रकारी, शिखरी और सुख निर्वाप। ऐसे करके जो ये शिखरी और सुख निर्वाप जो है वो अष्टांग संग्रह करके, यानी कि बागभट्ट के। ये शिखर का सुख जो है, यानी 8 से 10 करने का सुख जो है किसको मिला है? बागभट्ट को मिलेगा। शिखर का सुख ऊपर हो गया ना, आप 8 होते थे, आप ऊपर पहुंच गए, 10 बता दिया आपने, शिखर का सुख प्राप्त हो रहा है बागभट्ट को। फिर आप क्षार के दोष, तो क्षार के दोष पढ़ोगे तो सुश्रुत में गाइडों में 8 लिखा हुआ है, पर जो सुश्रुत का श्लोक मैंने देखा उसमें कहीं पर भी संख्या शब्द नहीं आती, अष्ट शब्द या नव शब्द ऐसा सुश्रुत के श्लोकों में नहीं आता है ना। अति मार्दव, अति तीक्ष्ण, अति उष्ण, अति श्वेत, अति पिच्छल, सर्पित, अति सांद, अपक्वता, हीन द्रवता, यहां तक तो सुश्रुत में आता है हीन द्रवता। तो वैसे काउंट करो तो 9 होते हैं, कई जगह दोनों अपक्व को हीन को इकट्ठा लिखा है इसलिए 8 बताया है, लेकिन संख्यावाची क्वेश्चन सुश्रुत के हिसाब से नहीं बन सकता है क्योंकि सुश्रुत में संख्या नहीं लिखी है श्लोक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहा हूँ। अष्टांग संग्रह ने श्लोक में लिखा है दशेव दशेव च दोषा, 10 दोष होते हैं, तो अष्टांग का क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि उसमें श्लोक में दशेव आता है। तो 4 के दोष जो है अष्टांग ने बताए वो 10 होते हैं, और उनने ये 9 अलग अलग काउंट करने के बाद 10वां जो है अति तनु और बताया, ऐसा करके अष्टांग में 10 हो जाते हैं। ये थोड़ा सुधारने वाला विषय है। फिर अग्निकर्म के प्रकार, अग्निकर्म के प्रकार जो है वो 4 होते हैं, तत् वलय बिंदु विलेखा प्रतिसारण इति दहन विशेषा। सुश्रुत कहते हैं कि वलय बिंदु विलेखा और प्रतिसारण ऐसे करके B3P जो है अग्निकर्म के प्रकार है, BIP नहीं, B3P, यानी वलय बिंदु विलेखा और प्रतिसारण। अष्टांग संग्रह ने जो है वो स्वस्तिक बताया है, तो स्वस्तिक किसका भेद है? तो स्वस्तिक के 2 3 आंसर होते हैं। एक आंसर है स्वस्तिक यंत्र का भेद है, दूसरा है स्वस्तिक अग्निगम का भेद है, तीसरा व्रण बंधन का भी भेद है। स्वस्तिक जो है वो व्रण बंधन का भी भेद होता है। तो स्वस्तिक किसका भेद है, अगर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, तो यंत्र का भेद है, अग्निगम का भेद है, दहन का भेद है और आपका व्रण बंधन का भेद है। इसके अलावा अष्टापद और अर्धचंद, ये जो है अष्टांग ने बताया, आ से चालू होने वाले, आ से चालू होने वाले आष्ट अ और अर्ध, अष्ट अर्ध और सा से चालू, आ के बाद में सा आता है, सा में से स्वस्तिक। फिर आओ शल्य की गतियां, तो शल्य की गतियां लिखा है सर्व शल्यानांतु महत अणुनाम, चाहे शल्य बड़े हों चाहे छोटे हों, पंच विदो गति। तो सुश्रुत कहते हैं शल्य की गतियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। इसको श्लोक मैंने इसलिए लिखा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो शल्य की गतियां कितनी हैं? 5 हैं। कौन कौन सी है? ऊर्ध, अधो, अर्वाचीन, तिर्यक, ऋजु। ऊर्ध है, अधा है, तिर्यक है, अर्वाचीन, अर्वाचीन में बोर्डे ने एक शब्द नाम यूज किया अर्वाचीन। अर्वाचीन जो है गति बताइए सुश्रुत ने, 5 है, अष्टांग संग्रह में 3 होती हैं गतियां। त्रिविध गति सल्या नाम, ऊर्ध, अधा, तिर्यक, अष्टांग संग्रह ने 3 ही गतियां बताई। संग्रह वृद्ध, यानी वृद्ध बागभट्ट है, बूढ़ा व्यक्ति का शल्य कहाँ तक दूर जाएगा, है ना, तो उसमें ज्यादा गति नहीं हो रही है, बुढ़ापे में वैसे व्यक्ति कम गतिशील हो जाता है। वृद्ध बागवत में 3 ही है, और आपका अष्टांग हृदय में जो है शल्य की गतियां 5 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम अष्टांग संग्रह और हृदय में क्या अंतर है ये पढ़ते हैं, तो उसमें ये पॉइंट बनता है कि दोनों की शल्य की गतियां अलग अलग है। हृदय यंग है तो उनमें 5 है, और वृद्ध बागवत बूढ़े हैं तो उसमें केवल 3 है। कौन कौन सी 5 होती है? तो 5 होती है ऊर्ध, अधा, तिर्यक, वक्र। तो ये इंपोर्टेंट, अर्वाचीन की जगह बागवट ने वक्र बताया है, बासे बागवट, बासे वक्र, बागवट ने वक्र बताया है, जबकि सुश्रुत में था अर्वाचीन। सुश्रुत चीन तक जा रहे हैं अर्वाचीन, ठीक है। तो सुश्रुत में और अष्टांग हृदय में 5 है, अष्टांग संग्रह जो वृत्त बागवट है उनका शल्य ज्यादा दूर नहीं जा रहा है, उनमें गतियां कम है, 3 है। इसके अलावा प्रोविंग यानी ऐसण, जो ऐसणी होती है, उसके 2 प्रकार बताए हैं चरक में, और सुश्रुत में जो है वो 3 प्रकार बताए। तो ये पूरा पोर्शन था जो मैंने कवर किया है 5वें 6वें और पेज से, इसमें अगत और शल्य का कंपैरिजन है ना। इसके बाद में जब नेक्स्ट वीडियो है उसमें 7वें 8वें पेज में हम एनाटॉमी का कंपैरिजन पढ़ेंगे। तो
आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।